सा से सरकार, सौ से सियासत और मुख्य न्यायाधीश के पास ऐसे कौन से केस हैं जिसको लेकर विपक्ष बेचैन है, तो रिपोर्ट देखिए। अयोध्या जन्मभूमि मालिकाना हक विवाद, आधार एक्ट की वैधता का मामला, रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का मुद्दा, सांसदों के वकालत करने के अधिकार का मुद्दा, भूमि अधिग्रहण में मुआवजे का मुद्दा, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा, व्यभिचार के लिए सिर्फ पुरुषों पर मुकदमा चलाने के कानून को चुनौती, समलैंगिकता को अपराध करार देने वाली धारा 377 को चुनौती, गैर पारसी से शादी करने वाली पारसी लड़कियों को गैर पारसी मानने को चुनौती, सेबी सहारा मामले की सुनवाई, दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला, केरल लव जिहाद मामला, इन तमाम अहम मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच कर रही है। और इन तमाम मामलों पर मोदी सरकार का पक्ष है क्या, इसे समूचा देश जानता है। तो क्या इन मामलों पर जो भी फैसला आएगा वो सरकार के अनुकूल होगा, या फिर विपक्ष को लगता है चीफ जस्टिस उन तमाम मुद्दों को अपनी बेंच पर सुनवाई करते हैं जिससे राजनीति प्रभावित होती है? क्या कभी कोई राजनीतिक दल मुख्य न्यायाधीश की वकालत करते सार्वजनिक तौर से आपको नजर आया है? क्या मुख्य न्यायाधीश अब किसी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं? जिस प्रकार की सस्ती और ओछी राजनीति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेही को सुनिश्चित करने की कसौटी पर यह अपने आप में अशोभनीय और निंदनीय है। यानी चाहे अनचाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी क्या राजनीतिक पतंग को उड़ाने देने की जगह दे रहे हैं, या फिर देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जनता को लगने लगे संवैधानिक संस्थानों की महत्ता भी राजनीति के आगे खत्म हो चली है। यानी सब कुछ राजनीति है और राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही लोकतंत्र है। और इसी बात का जिक्र चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की अर्जी खारिज करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने 10 पेज के फैसले में भी लिखा, साफ लिखा, नोटिस देने के तुरंत बाद कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को जाहिर करना संसदीय गरिमा के खिलाफ है। और सच तो यह भी है कि नोटिस दिए जाने से पहले ही महाभियोग लाया जाएगा, इसका राजनीतिक तौर पर प्रचार विपक्ष ने जमकर किया। पर ऐसे में अगला सवाल यह भी है कि संसद के सामने तो सुप्रीम कोर्ट भी मायने नहीं रखता, पर जब सुप्रीम कोर्ट को लेकर सत्ता और विपक्ष के सांसद टकराने लगे तो फिर संसद का होगा क्या? ये ठप संसद के दौर में हर किसी ने देखा समझा। You want the house to be adjourned? You want the house to be adjourned or what? I can't allow the house like this. I have no option other than adjourning the house. The house is adjourned to meet at 12 noon today. तो संसद से सियासत चल नहीं पाती या राजनीति हो नहीं पाती तो क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर ऐसे ही अन्य संवैधानिक संस्थानों के जरिए सियासत होगी, राजनीति होगी, विपक्ष डराएगा, सत्ता अपने अनुकूल बनाएगा? उनको बैडमिंटन खेलते हुए याद है उनके सारे कर्मियों के साथ, ये भी याद कर ले आपातकालीन में क्या हुआ था, संविधान बच चुका है उसके बाद। अगर बचाना है तो वो अपनी पार्टी को सिखा दे कि कांग्रेस फिर से कभी संविधान पे वार ना करे। और जो ये सारी चीजें कर रहे हैं ये वार ही तो है संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे। वाइस प्रेसिडेंट ओनली हैज टू सी whether it is signed by the requisite number of people and whether these charges on the face of it amount to charges of misbehavior or not. He has no business to go into the merits of the charges. That's for the inquiry committee to decide. यानी राजनीतिक झगड़ा चरम पर है, वकील भी बटे हुए हैं। और ये अजब संयोग कि 33 साल पहले आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो मामले पर ऐतिहासिक फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट की साख को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए उस वक्त सत्तासीन कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। और 33 बरस बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही कटघरे में खड़े थे। और भले राज्यसभा में उनके खिलाफ लाया गया महाभियोग नोटिस सभापति ने यह कहते हुए रद्द कर दिया, ना तो ठोस सबूत ना मंशा सही, लेकिन परेशानी में बीजेपी तो आ ही गई क्योंकि ये दौर उसका है और सुप्रीम कोर्ट की साख दांव पर है। एबीपी न्यूज के लिए निपुण सहगल। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।